नमस्कार साथियों साथियों इस वीडियो में हम आपको पांच अनमोल कहानियां सुनाने वाले हैं जो गागर में सागर के समान हैं। इसमें दिए उदाहरण आपको शानदार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देंगे, साथ ही बुराइयों से हटकर अच्छाइयों का रास्ता भी दिखाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली कहानी, जिसका नाम है परम सत्ता अनुभव का विषय है। एक बार की बात है कि एक वैद्य जी अपने पुत्र को बता रहे थे कि नस के किसी भी जोड़ पर चोट लग जाने से बड़ी पीड़ा होती है। पुत्र ने पूछा, पिताश्री कितनी बड़ी पीड़ा होती है, हाथी जितनी बड़ी या क्षितिज जितनी? वैद्य जी ने पुत्र की बात सुनकर बताया कि यह पीड़ा असहनीय होती है। इस पर पुत्र ने कहा, जब उस पीड़ा को आप असहनीय बता रहे हैं तो उसे मनुष्य कैसे सहन कर लेता है? वैद्य जी ने पुत्र को समझाया कि उस पीड़ा को तो वही समझ सकता है जिसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। पुत्र बोला, फिर भी मुझे भी तो समझाइए। पुत्र की बात सुनकर वैद्य जी ने एक मोटा सोटा लेकर उसे पुत्र की टांग पर जोर से मारा और कहा, अब अच्छी तरह से समझ ले। बेटा मार खाकर चारों खाने चित्त हो गया और आहें भरने लगा। वैद्य जी ने बेटे से पूछा, पीड़ा कितनी गज लंबी है? बेटा बोला, पिताश्री बताई नहीं जा सकती। वैद्य जी ने पूछा, बेटा पीड़ा सहनीय है या असहनीय है? बेटे ने उत्तर दिया, पीड़ा तो असहनीय है। वैद्य जी ने फिर पूछा, क्या उसका कुछ रंग रूप हमको बता सकते हो? बेटा बोला, पिताश्री केवल कहने सुनने से आप नहीं समझेंगे, मैं इस सोटे द्वारा अभी आपको समझाता हूँ। इतना कहकर बेटे ने वैद्य जी की जांघों पर पूरी शक्ति से सोटे को मारा और बोला, यह उस पीड़ा का रंग रूप है। कहने का अर्थ यह है कि निराशावादी धर्म कर्म से बचने हेतु अपनी बेबुनियाद दलीलों को लेकर इधर उधर हुल्लड़ किया करते हैं कि ईश्वर को किसी ने आज तक न देखा है और न ही उसकी कोई सत्ता है, उनका यह खंडन है। संसार के प्रत्येक वस्तु साक्षात एवं प्रत्यक्ष दर्शन की चीज नहीं है, बल्कि चित्त और मन की एकाग्रता से संबंधित है। इस कहानी का सारांश यह है कि ईश्वर की सत्ता चित्त तथा श्रवण समझने की वस्तु नहीं है, अपितु ईश्वर को मन से अनुभव करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, बिन अनुभव के न मिले परमेश्वर करतार, अनुभव कीजिए स्वयं ही होगा बेड़ा पार। दूसरी कहानी का नाम है माया। एक सांसारिक व्यक्ति समर्थ रामदास जी के पास जाकर बोला, महाराज मुझे माया ने ऐसा जकड़ लिया है कि उससे छूटना असंभव सा हो गया है, आप कृपा करके उससे मुक्ति का उपाय बताइए। स्वामी जी ने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने से इस पर शीघ्र प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए। अतः स्वामी रामदास जी एक किले की प्राचीर पर चढ़ गए और उस व्यक्ति को भी अपने पास बुला लिया। प्राचीर से लगा हुआ एक पीपल का पेड़ था और नीचे गहरी खाई थी। स्वामी जी ने वायु में अपना दुपट्टा लहराकर पीपल के वृक्ष पर फेंक दिया और उस व्यक्ति से उस दुपट्टे को पेड़ से उतार कर लाने की आज्ञा दी। वह व्यक्ति गुरु जी की आज्ञा मानकर पेड़ पर चढ़ गया। जब उस व्यक्ति ने दुपट्टे को पकड़ लिया तो स्वामी रामदास जी ने अपनी छड़ी द्वारा उसके पैर अपनी ओर खींच लिए। वह व्यक्ति दुपट्टा पकड़कर लटक गया और स्वामी जी से अपनी रक्षा हेतु चिल्लाने लगा कि मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, रोते क्यों हो, दुपट्टे को छोड़कर मोक्ष पद प्राप्त कर लो। वह व्यक्ति बोला, महाराज दुपट्टा तो छोड़ा नहीं जाता। इस पर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम यह बताओ कि दुपट्टे ने तुम्हें पकड़ा है या तुमने दुपट्टे को पकड़ रखा है? वह व्यक्ति बोला, मैंने ही दुपट्टे को पकड़ रखा है। स्वामी जी ने उससे कहा, इसी प्रकार माया को तूने पकड़ रखा है, न कि माया ने तुझे पकड़ा है। यदि तू इस समय दुपट्टे को छोड़ देता है तो तत्काल तेरी मुक्ति हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः जो लोग यह कहते हैं कि क्या करे भाई, माया ऐसी प्रबल वस्तु है कि उसने हमें फांस रखा है, इससे जीव को छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि माया ने तुम्हें नहीं फंसाया है अपितु तुम स्वयं ही माया के चक्कर में फंसे हुए हो।
जिससे मकड़ी को कोई फंसाता नहीं है बल्कि वह स्वयं ही अपने जाल में फंस जाती है। तोते को बांस की नली ने नहीं फंसाया है, वह स्वयं समझ रहा है कि मैं उसमें फंस गया हूँ। बंदर के हाथ को मिट्टी के बर्तन ने नहीं पकड़ रखा है, अपितु वह चनों के लोभ में पड़कर वह हाथ की मुट्ठी को खोल नहीं पाता है और वह समझता है कि इस पात्र ने मेरे हाथ को पकड़ रखा है। इसी प्रकार किसी भी प्राणी को माया ने स्वयं नहीं फंसाया है। प्राणी स्वयं धन संपत्ति और परिवार के लोभ में पड़कर माया को त्याग नहीं पाता और समझता है कि माया ने मुझे बांध रखा है। इसीलिए कहते हैं, खुद माया में फंस रहा फिर काहे पछताए, यदि तू उसको त्याग दे तो मुक्ति पद पाए। दोस्तों, अगली कहानी का नाम है विचित्र मंत्री। प्राचीन समय में किसी राज्य का राजा अत्यधिक मूर्ख था। उसकी मूर्खता का डंका समस्त राज्य में बज रहा था। इसके साथ ही उसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान तथा विचित्र प्रकृति का था। एक दिन एक कथावाचक राजा के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर बैठ गया। राजा ने उनसे पूछा, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी ने राजा से कहा, मैं एक कथावाचक हूँ और आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। राजा ने पंडित जी को कथा सुनाने के लिए अपने राज मंदिर भेज दिया। पंडित जी ने राज मंदिर में कथा कहनी प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन एवं तीसरे दिन अन्य एक एक कथावाचक राजा के पास आकर बोले कि हम आपको कथा सुनाना चाहते हैं। राजा ने कथा बांचने के लिए उन्हें भी राज मंदिर में भेज दिया। इसी तरह चौथे दिन भी एक कथावाचक राजा के पास कथा सुनाने के लिए पहुंचा, उन्हें भी राजा ने राज मंदिर भेज दिया। इस तरह एक एक करके एक ही स्थान पर कथा सुनाने के लिए चार कथावाचक एकत्र हो गए। पहला कथावाचक बोला, हे राम, अब कैसे होगी? दूसरा कथावाचक बोला, जो तेरे से होगी वही मुझ में होगी। तीसरा कथावाचक ने कहा, यह अंधाधुंध कब तक चलेगी? चौथा कथावाचक बोला, जब तक चले तभी तक सही। चारों पंडितों का आपस में इस प्रकार वाक्य युद्ध चल रहा था कि राजा अपने मंदिर को लेकर कथा सुनने के लिए राज मंदिर पहुंचा और उससे बोला, ये कौन से रामायण की कथा हो रही है? यह कथा तो तुलसी वाल्मीकि अध्यात्म में से किसी की भी नहीं है। बुद्धिमान मंत्री बोला, महाराज, यह श्री रामायण की ही कथा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, पहले पंडित जी का आशय है कि अशोक वन में असुर और राक्षसियों से घिरी हुई सीता जी कह रही है कि हे नाथ, अब कैसे होगी? जिसको सुनकर दूसरे पंडित जी ने बताया कि त्रिजटा सीता जी से बोली, घबराओ मत, जो तेरी में होगी वही मुझ में होगी। यह सुनकर तीसरे पंडित जी कह रहे हैं कि मंदोदरी रावण से कहती है, ये अंधाधुंध कब तक चलेगा? इसके बाद चौथे पंडित जी रावण से कहलवा रहे हैं, जब तक चले तब तक सही। अपने विचित्र मंत्री की बुद्धि पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और चारों पंडितों को दक्षिणा के रूप में 200-200 गिन्नी देकर विदा किया। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य का राजा यदि बुद्धिहीन हो और मंत्री बुद्धिमान हो तो गुणियों, विद्वानों एवं मूर्खों तक का सम्मान करा देता है। इसीलिए कहते हैं, जिस राजा का मंत्री होता बुद्धिमान, उस राजा के राज्य में गुणियों का होता सम्मान। दोस्तों, अगली कहानी का नाम है घी का भला न धान। आजकल प्रायः यह देखने में आ रहा है कि बहुत से व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह वर पक्ष से रुपया लेकर करने लगे हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति धन का संग्रह करता है वह बहुत निंदनीय है। इस विषय में एक कथा इस प्रकार है। एक राजा की रानी ने अपने केशों को अपनी दासियों द्वारा साफ कराया। वह केशों को सुखाने के लिए बरामदे में खड़ी थी। उस बरामदे में चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। संयोगवश चिड़िया बाहर से आई और उसने रानी के केशों पर बीट कर दी। इस पर रानी बहुत क्रोधित हो गई और राजा साहब के मुंह चढ़ी होने के कारण आसन पाटी लेकर लेट गई। उसने खाना पीना भी त्याग दिया और अपनी दासियों से बोलना बंद कर दिया। रानी की यह दशा देखकर दासियां राजा के पास जाकर कहने लगी कि रानी साहिबा ने खाना पीना सब त्याग दिया है और आसन पाटी लेकर पड़ी है। राजा दासियों की बात सुनकर रानी के पास जाकर बोले,
प्यारी रानी साहिबा, क्या बात है? बहुत अनुनय विनय के पश्चात रानी ने बताया कि मैंने अपने केशों को दासियों से साफ करवाकर मैं बरामदे में केशों को सुखा रही थी कि ऊपर घोंसले पर बैठी हुई चिड़िया ने उन पर बीट कर दी। यह सुनकर राजा ने रानी को समझाया कि पक्षी भला बुरा क्या जाने, दासियों से चिड़िया के घोंसले को हटवाकर दोबारा से अपने केशों को साफ करवा लो और भोजन कर लो। राजा ने नौकरों से घोंसलों को उखड़वाकर बाहर फिकवा दिया। चिड़िया चै चै करती हुई महल के बाहर एक वृक्ष पर बैठकर विलाप करने लगी। इतने में चिड़ा भी आ गया और पूछने लगा कि क्या बात है। चिड़िया ने सारी बात बता दी। इस पर चिड़ा बोला, चिंता न करो, हम दूसरी जगह अपना घोंसला बना लेंगे। इस पर चिड़िया बोली, जब तक इस राजा का सर्वनाश न कर देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। चिड़ा बोला, ऐसी बात है तो मैं राजा का अभी सर्वनाश कर देता हूँ। चिड़ा उड़कर राजा की पुत्री जहाँ विवाही गई थी वहाँ गया और राजा की पुत्री के घर में से कुछ धान अपनी चोंच में भर लाया और उन्हें राजा के धान में मिला दिया। परिणाम स्वरूप राजा का सर्वनाश हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या को बेचकर धन नहीं लेना चाहिए और न ही कन्या के घर की वस्तुओं को प्रयोग करना चाहिए। जिस वस्तु का हम दान कर चुके हैं उसे वापस नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों का भी ऐसा ही मत है कि दान एक बार ही होता है, दोबारा नहीं। दी गई वस्तु को लेने का अधिकार दानी को नहीं है, इसीलिए कहा गया है, कन्या विक्रय जो करे वो है धूर्त महान, शोक कवि ये सत्य है घी का भला न धान। साथियों, अगली कहानी का नाम है नासिक के मुख में विष्णु नहीं। एक बार की बात है कि एक कीर्तन मंडली मुकामा घाट के गंगा तट से एक नौका में बैठकर गंगा पार एक कीर्तन हेतु जा रही थी। उसी नौका में कुछ नास्तिक व्यक्ति भी सवार थे। जब नौका चलने लगी तो कीर्तन मंडली का एक व्यक्ति हाथ में चूना तंबाकू रखकर मलने लगा। इतने में नास्तिक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उस चूना तंबाकू रगड़ने वाले व्यक्ति से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। उसने उत्तर दिया, हम पास के गांव में कीर्तन करने जा रहे हैं। फिर नास्तिक ने पूछा, किसका कीर्तन करोगे? उसने उत्तर दिया, विष्णु भगवान का कीर्तन करेंगे। नास्तिक ने पूछा, विष्णु कौन है और कहाँ रहते हैं? आस्तिक व्यक्ति ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान का ही नाम है और वह सब जगह उपस्थित रहते हैं। वह जल, थल, नभ, पर्वत आदि सब जगह उपस्थित रहते हैं। इतना कहकर उसने तंबाकू चूने को रगड़कर फांक लिया। कुछ देर के बाद तंबाकू खाने वाले ने जल में थूकना चाहा तो नास्तिक बोला, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा विष्णु भगवान तो जल में उपस्थित है, फिर क्या तुम उसके ऊपर थूकोगे? वह व्यक्ति बेचारा मुंह को बांधे बैठा रहा। नाव अब तक किनारे पहुंच चुकी थी। नाव से उतरकर तंबाकू खाने वाले व्यक्ति ने जमीन पर थूकना चाहा तो नास्तिक ने उससे कहा, भाई तुम्हारा विष्णु तो पृथ्वी पर भी मौजूद है, क्या तुम विष्णु पर थूकोगे? तुम्हारा विष्णु तो सब जगह उपस्थित है, इसलिए तुम कहीं भी थूक नहीं सकते। वह तंबाकू खाने वाला व्यक्ति उस नास्तिक की बात सुनकर असहाय सा अपना मुंह बांधे चुपचाप खड़ा रहा। इतने में भगवान की कृपा से नास्तिक ने अपना मुंह खोलकर जबाई ली तो उस आस्तिक व्यक्ति ने नास्तिक के खुले हुए मुख में अपना मुंह का थूक भर दिया। वह नास्तिक व्यक्ति क्रोध में भरकर बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर आस्तिक ने उत्तर दिया, तुम नास्तिक होने के कारण तुम्हारे अंदर विष्णु भगवान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे मुख के अंदर अपना थूक डाल दिया। यह सुनकर नास्तिक बहुत लज्जित हुआ और वहां से चलता बना। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जब तक आस्तिकों द्वारा नास्तिकों को मुंह तोड़ उत्तर न दिया जाए तब तक वे बाज नहीं आते। इसलिए कहा जाता है, ईश्वर व्यापक सब जगह, सब में रहा समाए, मुख में नास्तिक के नहीं दीनों में दर्शाए। दोस्तों, आपको यह कहानियां कैसी लगी हमें आपके विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।